नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। कटक भुवनेश्वर रे कोरोना स्थिति नै डीजीपी को सूचना। कोविड जांच पई भुवनेश्वर को तीनोटी जोन रे विभक्त करा जिवो। प्रति जोन दायित्व रे रहिबे जणे लेखाए डीसीपी। जांच पई अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिवे। ट्विन सिटी रो पुलिस को अधिक पीपीई किट दिया जिवो। कोरोना आक्रांत पुलिस को जोगाय दिया जिवो उन्नत चिकित्सा। साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर अधिक पुलिस मुतयन हेबे। बजार रे एवं हॉटस्पॉट रे कड़ाकड़ी हेबो कोविड जांच। बैठक रे दुई डीसीपी पुलिस कमिश्नर आईन श्रृंखला आईजी उपस्थित थिले। ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे कोविड परिचालना को नहीं गतकाली मुख्यमंत्री असंतोष प्रकाश करथिले। ट्विन सिटी रे कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन पई डीजीपी को निर्देश देथिले नवीन। कटक भुवनेश्वर कोरोना स्थिति नहीं डीसीपी का सूचना। कोविड जांच पई भुवनेश्वर को तीनोटी जोन रे विभक्त करा जिवो। प्रति जोन दायित्व रे रहिबे जणे लेखाए डीसीपी। जांच पई अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिबे। ट्विन सिटी रो पुलिस को अधिक पीपीई किट दिया जिवो। कोरोना आक्रांत पुलिस को जोगाई दिया जिवो उन्नत चिकित्सा। साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर रे अधिक पुलिस मुतयन हेबे। बजार रे एवं हॉटस्पॉट रे कड़ाकड़ी हेबो कोविड जांच। बैठक रे दुई डीसीपी पुलिस कमिश्नर आईन श्रृंखला आईजी उपस्थित थिले। ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे कोविड परिचालना को नहीं गतकाली मुख्यमंत्री असंतोष प्रकाश करथिले। ट्विन सिटी रे कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन पई डीजीपी को निर्देश देथिले नवीन। यहाँ एक्शन बोर्ड रूप आसी जाते डीजीपी। डीजीपी सूचना कोविड जांच पई भुवनेश्वर को तीनोटी जोन रे विभक्त करा जिवो। प्रति जोन दायित्व रे रहिबे जणे लेखाए डीसीपी। जांच पई अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिबे। ट्विन सिटी रो पुलिस को अधिक पीपीई किट दिया जिवो। कोरोना आक्रांत पुलिस को जोगाई दिया जिवो उन्नत चिकित्सा। साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर अधिक पुलिस मुतयन हेबे। बजार रे एवं हॉटस्पॉट रे कड़ाकड़ी हेबो कोविड जांच। बैठक रे दुई डीसीपी पुलिस कमिश्नर आईन श्रृंखला आईजी उपस्थित थिले। ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे कोविड परिचालना को नहीं गतकाली मुख्यमंत्री असंतोष प्रकाश करथिले। ट्विन सिटी रे कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन पई डीजीपी को निर्देश देथिले नवीन। ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे कोविड परिचालना को नहीं गतकाली मुख्यमंत्री असंतोष प्रकाश करथिले। ट्विन सिटी रे कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन पई डीजीपी को निर्देश देथिले नवीन। यहाँ पर एक्शन मोड को आसी डीजीपी। कोरोना स्थिति नहीं डीजीपी सूचना। कोविड जांच पई भुवनेश्वर को तीनोटी जोन रे विभक्त करा जिवो। प्रति जोन दायित्व रे जणे लेखाए डीसीपी रहिबे। जांच पई अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिबे। ट्विन सिटी रो पुलिस को अधिक पीपीई किट जोगाई दिया जिवो। कोरोना आक्रांत पुलिस को अधिक उन्नत चिकित्सा दिया जिवो। साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर रे अधिक पुलिस मुतयन हेबे। ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई फोन लाइन अछंती हमर प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय। सुमंत, गतकाली ट्विन सिटी रो कोविड परिचालना को नहीं मुख्यमंत्री असंतोष व्यक्त करथिले। एहा परे कोविड परिचालना को नहीं ट्विन सिटी एक्शन मोड रे आसी डीजीपी। सविशेष तथ्य जानिबा को चाहुचू कौन सब रही रणनीति फेरी भी मुसुमंत को पाखु को किंतु फोन तरे खबर टी कहि रखुचू। कटक भुवनेश्वर रे कोरोना स्थिति नहीं डीजीपी का सूचना। कोविड जांच पई भुवनेश्वर को तीनोटी जोन रे विभक्त करा जिवो। प्रति जोन दायित्व रे रहिबे जणे लेखाए डीसीपी। जांच पई अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिबे। ट्विन सिटी रो पुलिस को पीपीई किट जोगाई दिया जिवो। कोरोना आक्रांत पुलिस को उन्नत चिकित्सा दिया जिवो। साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर रे अधिक पुलिस मुतयन हेबे। बजार एवं हॉटस्पॉट रे कड़ाकड़ी हेबो कोविड जांच। आज बैठक रे दुई डीसीपी पुलिस कमिश्नर आईन श्रृंखला आईजी उपस्थित थिले। ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे कोविड परिचालना को नहीं गतकाली असंतोष प्रकाश करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक।
ट्विन सिटीर कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन डीजीपी को निर्देश देते नवीन यापर आक्शन मोड को आसी डीजीपी डीजीपी सूचना आज बैठक में रणनीति प्रस्तुत कोविड जांच भुवनेश्वर को तीनोटी जोन में विभक्त हो प्रति जोन दायित्व में रहिबे जणे लेखाएं डीसीपी जांच अधिक 50 ऑफिसर एवं 5 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे कोविड एनफोर्समेंट टीम को एमाने अधिक क्रियाशील करिबे ट्विन सिटीर पुलिस को अधिक पीपीई किट जोगाइ दिया कोरोना आक्रांत पुलिस को जोगाइ दिया उन्नत चिकित्सा साप्ताहिक छुट्टी रे कटक भुवनेश्वर रे अधिक पुलिस मुतयन हेबे संपर्क अधिक आलोचना मो सहयोगी थबीर सामल फोनलाइन जोड़ी होती थबीर गत काली असंतोष प्रकाश करते मुख्यमंत्री कि कोविड परिचालन को लेकिन यापर आक्शन बोर्ड को आसी डीजीपी ट्विन सिटी रे आक्शन बोर्ड अच्छा सबसे तथ्य जानवाक चाहूचु कौन सब रही रणनीति देखो कटक और भुवनेश्वर में जहां कोविड मुकाबला जो पदक्षेप निया जदि आप देखिए बर्तमान स्थित अनायत है संपूर्ण भाव में बिगड़ गलानी स्थित जोटा कि बेकाबू होगी कोरोना यह बर्तमान सबू महल गोटे प्रकार जहां निंदा और तर्क वितर्क आरंभ हाँपर समस्ते कोविड परिचालनार व्यवस्था थोड़ा अधिकारी राज्य सरकार को व्यवस्था को नहीं प्रश्न उठाइले जोटा कि गत काली निजे मुख्यमंत्री जिते समीक्षा करते से असंतोष थे कोविड परिचालना दायित्व में या अधिकारी मैंने नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करूना किसी अमानिया संक्रमण बढ़ुत जो थे कि स्थित जटिल है जो भाव में क्योंकि आईसीयू को नहीं संकट पुणी के बेड को नहीं संकट पुणी के कोविड मुकाबले जो हॉस्पिटल निर्माण करवस्था सामना को आसला तेणु आज जहां गुरुत्वपूर्ण बैठक था जो थे कि डीजीपी निजे दुई सहर डीसीपी कमिश पुलिस कमिशनर और आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर एम आलोचना कर स्वतंत्र भाव में रणनीति प्रस्तुत करो थे कि भुवनेश्वर को तीनोटी जोन में विभक्त प्रति जोन दायित्व जड़े एसीपी रैंक ऑफिसर रहिबे एवं विशेषकर सटरडे और संडे सांग को जनगहली जगह अधिक पुलिस मुतयन हे विशेषकर 50 जन पुलिस अधिकारी को दायित्व दि जाए 5 प्लाटून पुलिस फोर्स सहर में रहिबे तेणु मास्क पिंधा मांडेटरी हम और सहर जो भी सोशल डिस्टेंस को वायोलेट कर एक्शन नवा पुलिस तो पुलिस को अधिक कोठर हाई जेहेतु मुख्यमंत्री तागिद करते गत काली आज तार रणनीति किभली एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट कर बैठक हो बैठक में संपूर्ण भाव में रणनीति प्रस्तुत करोटा कि खूब शीघ्र दुई सहर से अमानिया को साबार करने कोठर हम पुलिस निहाती वर्तमान कठोर पुलिस हेबाक पड़ब कारण जो माने सब अमानिया अच्छा तांक प्रति एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण करुषान जो माने कोविड गाइडलाइन नियम पालन करू नथिबे देखो जो भाव में जब आप देखिए पूर्व राज्य सरकार जो निर्देश रही जो मैंने मास्क पिंधे से आर्थिक दंडर व्यवस्था कर फाइन अदा कर द्वितीय थर जदि से फाइन जदि पुणी से ही उल्लंघन करती से आर्थिक दंडर अधिक व्यवस्था कर समदूरता नथिले पुलिस एक्शन नब से जेल दंडर व्यवस्था अच्छी जो थे कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन हुए और विशेषकर जनगहली पूर्ण और दोकान बजार में जदि दोकानी मैंने किवसायिक प्रतिष्ठान जदि पालन करती दोकान और सपिंग मल को सिल कर क्षमता बीएमसी और पुलिस कमिशनर को दि जाएगी से दृष्टि जदि देखा जाए जो मैंने अमानिया अच्छा से सबार करने फाइन रदाय रही पुलिस एक्शन नब पुलिस गिरफ्त कर अंपटे जेहतु छक बजार दोकान जदि कौन गाइडलाइन उल्लंघन हुए तो संपुक्त दोकान और मार्केट को अनिर्दिष्ट काल सिल कर क्षमता दि जाए दुईटी तीनोटी दिग को व्यतीत पुलिस जेहेतु सचेतनता कर पूर्व जो भाव में काम करुला बर्तमान कड़ाकड़ी जांच हेले लोके भी सचेतन हेबे भुवनेश्वर कटक रे अमानिया हेबे साबाड़ गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ताकीद पर अमानिया को साबाड़ पई डीजीपी अभय निर्देश देछंती बहुत बहुत धन्यवाद थबीर आपन समस्त आलोचना पई परवर्ती खबर को आसीबा आमे पछ घुंचा देबुनी सीमारे चीन औधत्यर जवाब दिया बेजिंग को ता भाषा रे बुझा जीव भारत और चीन सीमा मध्य एजाए समाधान होइनी चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर उपरे निजर अधिकार सब्यस्त करुछे हेले बेजिंग कहुछे गोटे एवं करुछे गोटे राज्यसभा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिछन्ते सीमारे सेना और गोला बारूद ठूल कर चली चीन तेबे आमे मध्य सतर्क रहिछु देश पई जेते बड़ और कड़ा पदक्षेप नेबाकू आमे देबुनी पछ घुंचा बोली कहिछन्ते राजनाथ सिंह लोकसभा पर एलएसी स्थिति नहीं आज राज्यसभा रे विवृति रखिथिले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
लद्दाख की सीमाओं पर विगत कुछ महीनों में घटित घटनाओं का ब्यौरा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा यह महान देश भारत अनगणित देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की स्थिति तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्ट न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे आपसे जो पूछना था, आपने अपने बयान में कहा है माननीय कि आपकी और विदेश मंत्री जी की बातचीत हुई और उसके कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजा 11 सितंबर को आया, बाद में विदेश मंत्री जी भी बताएंगे, अच्छा होगा। पर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट विद द चाइनीज साइड इज कंटिन्यूइंग, दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट सेज। वी होप दैट द डिप्लोमेटिक चैनल्स विल बी एग्जॉस्टेड फॉर डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन। रक्षा मंत्री जी, डू वी अंडरस्टैंड दैट द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को एंटे विल रिमेन अ नॉन नेगोशिएबल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। श्रीनगर बाटामालो अंचल एनकाउंटर, आतंकवादी पुलिस और सीआरपीएफ जवान गुड़ विनिमय एनकाउंटर में तीन जन आतंकवादी निहत होते से ही जड़े सीआरपीएफ जवान आहत होगा जड़े साधारण नागरिकों मृत्यु होती। बाटामालो अंचल आहरी आतंकवादी लुचि रही सूचना मिली, तेणु संपृक्त अंचल एनकाउंटर जारी रही। राजधानी में चांचल्य, मां को हत्या कले निज संतान, एयरफिल्ड थाना अंतर्गत सुंदरपदा अर्चिट आपार्टमेंट रे ए घटना घटी। हत्यार शिकार होती विनोदिनी मिश्र, तांकर 15 एवं 12 वर्षर दुई पुओ तांकु हत्या करिछंती। गतकाली रातिरे कोनोसी कारण को नै दुई पुओ ओ मांक भितरे बचसा होइथिला, एहा परे मांकु लुहा साबळरे आक्रमण करिथिले दुई नाबालिका पुओ। विनोदिंग मुंडरु प्रचुर रक्तस्राव हेबा परे से अचेत होइ पडिथिले। एहा परे दुई पुओ पड़िसा घर को फोन करी महिला को मेडिकल नेबा को दुई पुओ कहिथिले, हेले पड़िसा घर लोक आसिला बेळकु विनोदिनी को प्राणवायु उड़ी जाइथिला। खबर पाई घटनास्थल रे पुलिस पहुंचीला, अभियुक्त दुई पुओ को थाना रे अटक रखी पचरा उचरा करुछी पुलिस। घर साबळ एवं मद बोतल जबत होईछि, साइंटिफिक टीम घटनास्थल रे पहुंची तदंत करिछि। कुहा जाउछि विनोदिनी को परक्रिया पीति पाई एवं से निशा सेवन करुथिले, अनेक समय रे निशासक्त अवस्था रे से दुई पुओ को अत्याचार करुथिले। अत्याचार असह्य हेबा परे दुई नाबालक निज मां को हत्या करिथिबा कुहा जाउछि। एयरफील्ड थाना अंतर्गत ऑर्किड रेजिडेंसी गोटे फ्लाट रे जन एक महिला रोते पाखापाखी बयस 40 वर्ष हे श्रीमती विनोदिनी मिश्र गत काली राति पाखापाखी 11:30 बेले हत्या करा प्राथमिक तदंतर जहाँ जमापड़ी दुईज माइनर पुओ ये हत्यार संपृक्त अच्छा से दुईज माइनर पुओ को अटक रखाई हत्यार कारण संबंध में जहाँ जमापड़ी पारिवारिक झगड़ा यार कारण अच्छी घटनास्थल व्यवहार करा जो हत्यार व्यवहार करा इक्विपमेंट सावल प्रकार जो थे मराई जबत कराई चली इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। सो एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन
नथिंग सब्सटेंशियली कैन बी टोल्ड इन्वेस्टिगेशन इज टोल्ड मो पड़ोसी जी अच्छा मत सी 11:30 डाकिले बेल मारे कहीं जो डाकिले जी ता पुता फोन करम घर जा देख मो माँ अवस्था शोचन सी फोन पाइक पुअर सी देखिले परिस्थिति देखिकी मत आस बेल मारे मुहली किए डाक बेल मारि बाहर कौन घटना ना यही मुझे से भितर जाओनी पुलिस फोन कर खंडाटी को पुलिस आसो आम से भितर जा स्वामी को मुझे देखी नहीं कि जानी नहीं कारण से छोट छुआ पचार थे से कहले जे से तीन वर्ष जो से बापा देखी तीन वर्ष पर एपर्त से बापा देखी ना सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना अंतर्गत गोविंदपुर में हृदय विदारक घटना पारिवारिक कलहर करुण परिणति विष पी महिला मृत्यु होता बेले चिकित्साधीन अवस्था देढ़ वर्ष शिशुपुत्र जीवन जाए मृतक हेले गांव डम्बर किसान स्त्री अष्टमी किसान दुहिंक मध्यरे कोनोसी कारणरु झगड़ा होइथिला तापरे अष्टमी विष पीते खबर पाई पुलिस बंद घर अष्टमी मृतदेह उधार करिथिला मृतदेह निकटरु गुरुतर अवस्था रे 1.5 वर्षर शिशुपुत्र को उधार करी चिकित्सा पाई आरजीएच रे भर्ती करा जायथिला मात्र चिकित्साधीन अवस्था रे शिशुटीर मृत्यु होइथिला पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिबा सह पचराउचरा जारी रखिछे सेपटे अष्टमी परिवार लोके हत्या अभियोग आनिछन्ति आगको रही अन्य खबर वर्तमान बुलेटिन समय हो ब्रेक आज केन्द्रीय प्रतिनिधि दल कणास बन्या अंचल परिदर्शन करिछन्ते कणास पांडियाकेरा पंचायत माटियापड़ा नुआ साहिटारे दया नदी में सृष्टि होता घाई अंचल परिदर्शन करते विशेषकर बन्या द्वारा क्षयक्षति और चाष क्षयक्षति संपर्क में स्थानीय तहसीलदार को पचारि बुझिते अंचल व्यापक क्षयक्षति होता बेले प्रतिनिधि दल स्थानीय बासिंदा सहित आलोचना करना जहाँ नहीं बासिंदा तथा बन्या विपन्न मध्य असंतोष देखा देखा सार मैंने भी आसते केन्द्रीय टीम एवं जो मैंने भी प्रशासन आसते समस्ते आसते कि देखिले गोटे गाँ भर को किसी क्या आम मान को किसी पचारे कि आम कि प्रतिक्रिया रखी पार्लुँ कि आलोचना किसी सी भी कि आलोचना करना खाली आसे मान आम जो घाई भांगी से परिदर्शन कले सड़क सड़क कौन कम अच्छे सीधा सड़क आलग जगार कौन मीट अच्छे से चलीगले किंतु जो घाई भांगा मानते क्या पचराउचरा ना कि ना खाली आसिक आस गए प्रसन्न टाइप रोच कि ना जाजपुर केन्द्रीय टीम बन्या अंचल परिदर्शन करुछे सकाळु केन्द्रीय टीम सह जिलापाल एवं अन्यान्य अधिकारी माने जाइछन्ति बिंझालपुर ब्लक नाउबांको खरस्रोता नदी में होता पाखापाखी 400 फुट्र घाई अंचल बुली देखिछन्ति केन्द्रीय टीम यहाँ विपन्न सह क्षयक्षति संपर्क में आलोचना करिछन्ति केन्द्रीय टीम बन्या क्षतिग्रस्त अंचल बरी दशरथपुर आदि परिदर्शन करेंगे जाजपुर जिलापाल आसीथिबा केन्द्रीय टीम को स्थिति संपर्क में समस्त आलोचना करिथिले गोटे दिन में राज्य 30 जिलूर 4241 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारेटाइन सेन्टर 2502 और लोकाल केस 1739 खोर्धार सर्वाधिक 647 चिन्हट होती कटकु 399 और पुरी 291 संक्रमित चिन्हट होती नुआपड़ अनेश्वत रायगड़ 66 संबलपुर 91 सोनपुर 129 आक्रांत चिन्हट होती सेहिभली मालकानगिरी 28 मयूरभंज 147 नवरंगपुर 107 नयागढ़ 94 केन्द्रापड़ा 103 केन्दुझर 77 सुंदरगढ़ 154 कोरापुट 98 जाजपुर 150 झारसुगुड़ा 111 कलाहांडी 114 कंधमाल 116 सेहिपरी ढेंकानाल 86 गजपति 23 गंजाम 75 जगतसिंहपुर 126 बलांगीर 44 बौद्ध 94 कटक 399 देवगढ़ 6 अनुगुल 84 बालेश्वर 141 बरगढ़ 149 भद्रक 72 आक्रांत चिन्हट होती मोट पॉजिटिव संख्या 1,67,161 को वृद्धि होती राज्य में आउ 13 जीवन नेला कोरोना राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 669 को वृद्धि पाई आज पुरी और खोर्धारु 4 जन लेखाएं मृत्यु होती गजपति में 2 बालेश्वर जड़े जीवन नहीं कोरोना कटकु जड़े और सुवर्णपुर जड़े लेखाएं मृत्यु होती
देश में 51 लक्ष टपिला कोरोना आक्रांतों संख्या दिनक 97,894 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होती एहाको मिसाई भारत में कोरोना संक्रमितों संख्या 51,18,254 को वृद्धि पाई सेपटे गत 24 घंटे देश में 1,132 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु होती दिनक महाराष्ट्र में सर्वाधिक 474 जन मृत्यु होता बेले उत्तर प्रदेश में 86 पंजाब में 78 पश्चिमबंग 61 तमिलनाडु में 57 आंध्रप्रदेश में 64 और कर्णाटक 55 जन जीवन नहीं किलर कोरोना यहां मिसाई भारत में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 83,198 को वृद्धि पाई देश में वर्तमान सुधा 40,25,079 जन सुस्थ होता बेले 10,09,976 रोगी एवं चिकित्साधीन अच्छा 24 घंटे 82,719 जन सुस्थ हो घर को फेरी छंदे बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता गत 15 दिन धरी बरगढ़ सहर और हाईवे लूट डकायती और चोरी घटनार पर्दाफाश करिछि टाउन थाना पुलिस बरगढ़ सहर विभिन्न स्थानर चोरी होता चारिचकिया जान 2 बाइक 18 मोबाइल लक्षाधिक टंकार सुना चेन छुरी मास्क सह टंका को पुलिस जबत करिछि घटन बरगढ़ सहर मगसीर महानंद किशोर मेहर राजा हाथी रोहित मेहर विजय बाग को पुलिस गिरफ्त कर घटनार अधिक तदंत जारी रही खूब शीघ्र अन्य अभियुक्त माने गिरफ हेबे बोली बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते गिरफ अभियुक्त विरोध में पूर्व टाउन थाना 8 चोरी डकायती लूट मामला रुजू हो एसपी कहते ग्यांगटा इनवल्व थी से ग्यांगटा को आम धरीचु और तार 100% अराउंड प्रपर्टी रिकवरी यही प्रोसेस केत गुड़े फोर व्हीलर चोरी करते पाखर 2 फोर व्हीलर आम बर्तमान सीज कर गोटे आमको आगुरी मिल जाइला ता सहित आम 18 मोबाइल फोन धरा पड़ी एवं से मैंने व्यवहार करुते जो तर 2 गाड़ी आमर जबत हो ग्रुप रे जो 5 समुदाय एक्यूज धरा पड़ते समस्त बरगढ़ टाउन एरिया अच्छा जो अनुसार लायबिलिटी मिल लायबिलिटी अनुसार अनुसार विरुद्ध दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण कर विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर स्मृति बहन करुवा पुरीर पाथेरपुरी हस्टेल कांथ भंगा को नहीं उत्तेजना एहाकु विरोध करिछंती बुद्धिजीवी और एसएस कॉलेज रो पुरातन छात्र संघ बाउंश बकाचाई काम को बंद करा जायछि सेपटे पाथेरपुरी रे जेउ अंचल को रास्ता रे व्यवहार करा जायछि ताहा हॉस्टल रो परित्यक्त और असुरक्षित अंचल एहाकु लोकों को सुविधा पाई व्यवहार करा जाउछि बोली उपजिलापाल कहछंती पुरी हॉस्टल को गोटे विकास करने जा सरकार आमर से संस्कृति ऐतिह्य को एवं शिक्षार गोटे अनुष्ठान को भांगिदे जाऊँ पुरातन छात्र हिसाब से आम घोर विरोध एवं प्रशासन को मध्यम आमर आपण मध्यम प्रशासन को नवेदन एवं आमे जनईदेवा चाहूँ जे आपण जो तार कंस्ट्रक्शन करुँच ब्लू पिच मार्क जावाई रास्ता या तुरंत बंद करूँ वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा अवसर प्राप्त आईपीएस अफिसर अशोक साहू को परलोक कटक पिठापुर स्थित बासभवन में से शेष निश्वास त्याग कर मृत्यु बेलू 68 वर्ष बयस होता गत किछि दिन हेला से असुस्थ थिले आसाम अतिरिक्त पुलिस डीजी पदवीर स्वेच्छाकृत अवसर पर से राजनीति में पाद दे 2009 कंधमाल और 2014 पुरी लोकसभा आसन बीजेपी प्रार्थी होते अशोक साहू तांको वियोग में विभिन्न महल रु शोक प्रकाश पाई समय सारी बुलेटिन को ये रखा नमस्कार।